महला चार जिन कौ आप देई बड़े आई जगत भी आपे आण तिन कौ पैरी पाए डरिए ता जै किछ आप दू कीचे सब करता आपनी कला बंधाए देखे भाई एह अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन आपने जोर सब आण निवाए आपनिया भगता की रख करे हर स्वामी निंदका का दुष्ट के मुह काले कराए सत गुर की बड़ियाई नित चढ़े सवाई हर कीर्त भक्त नित आप कराए अन दिन नाम जपह गुर सिख है हर करता सत गुरु घरी बसाए सत गुर की वाणी सत सत कर जान है गुर सिख हर करता आप मुह कढ़ाए गुर सिखा के मुह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सभत कराए जन नानक हर का दास है हर दासन की हर पेज रखाए जिन्हें ईश्वर शोभा देता है उनके चरणों में सारे जगत को भी डाल देता है केवल तभी हमें डरना चाहिए यदि हम स्वयं कुछ करें परमात्मा अपनी कला स्वयं बढ़ा रहा है हे भाई याद रखो जिस ईश्वर ने अपने बल से जीवों को लाकर गुरु के समक्ष झुकाया है उस सच्चे प्रियतम का यह जगत एक अखाड़ा है जिसमें जगत का स्वामी प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है और निंदक दुष्टों के मुंह काले कराता है सतगुरु की शोभा दिन व दिन बढ़ती जाती है ईश्वर अपने भक्तों को हमेशा अपना यश एवं भक्ति स्वयं ही करवाता है हे गुरु सिखों दिन रात राम का जाप करो और सतगुरु के द्वारा हरि करतार को अपने हृदय में बसाओ हे गुरु सिखों सतगुरु की वाणी बिल्कुल सत्य समझो क्योंकि विश्व का रचयिता परमात्मा स्वयं यह वाणी सतगुरु के मुख से कहलवाता है प्रियतम प्रभु गुरु सिखों के मुख उज्जवल करता है और सारी दुनिया में गुरु की जय जयकार करवाता है नानक हरि का दास है हरि के दासों की हरि स्वयं ही लाज रखता है पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच सह हमारे सच पूजी नाम दृढ़ाई प्रभ बन जा रे थारे सच से वह सच बन जलह गुण कतह निरारे सेवक भाई से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे हे मेरे सच्चे शाह तू स्वयं ही सच्चा मालिक है हे प्रभु हमें सत्य नाम रूपी पूंजी दृढ़ करवाओ चूंकि हम तेरे ही बन जा रहे हैं जो व्यक्ति सत्य नाम को जपते हैं सत्य नाम का व्यापार करते हैं वह गुणों का कथन करते हैं वे दुनिया से निराले हैं जिन्होंने गुरु के शब्द द्वारा मन को सवार लिया है वही व्यक्ति सेवक भावना वाले बनकर परमात्मा जी से जा मिले हैं हे प्रभु तू सच्चा साहिब अलक्ष्य है परंतु गुरु के शब्द द्वारा ही तेरी सूझ होती है श्लोक महला चार जिस अंदर तात पराई होवे तिसका कदे न होवी भला ओस दे आखे कोई न लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो बजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुह कड न सके ओस दा काला भया कर्म धरती शरीर कल जुग बिच जे हा को बीजे ते हा को खाए गल्ला ऊपर तपावस ना होई विष खादी तत्काल मर जाए भाई वेख न्याऊ सच करते का जे हा कोई करे ते हा कोई पाए जन नानक कौ सब सोझी पाई हर दर किया बाता अख सुनाई जिस व्यक्ति के अंतर मन में दूसरों को दुखी करने की द्वेष भावना होती है उस व्यक्ति का कभी भला नहीं होता उस व्यक्ति के वचन पर कोई भरोसा नहीं करता
वह हमेशा उजाड़ में खड़ा पुकारता रहता है। जिस मनुष्य के हृदय में चुगली होती है वह चुगलखोर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। उसकी सारी की हुई कमाई निष्फल हो जाती है। ऐसा व्यक्ति नित्य प्राय झूठी चुगली करता है। इस लक्षण के कारण वह किसी के सम्मुख भी नहीं जा सकता। फलस्वरूप उसका मुंह काला हो जाता है। इस कलयुग में शरीर कर्म रूपी धरती है। इसमें जैसा बीज इंसान बोता है वैसा ही फल खाता है। यूं ही बातों द्वारा कभी न्याय नहीं होता। यदि विष खाए तो तुरंत मर जाता है। हे भाई, सच्चे परमात्मा जी का इंसाफ देखो। जैसे कोई कर्म करता है वैसा ही उसका फल पाता है। नानक को प्रभु ने यह ज्ञान दिया है और वह प्रभु के द्वार की ये बातें करके सुना रहा है। महला चार, होंदे पर तख गुर जो बिछुड़े, तिन कौ दर ढोई नाही, कोई जाई मिले तिन निंद का मुँह फिक्के, थुक थुक मुँह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही, जिन गुर गोपिया आपना से लेंदे ढाहा फिराही, तिन की भूख कदे ना उतरे, नित भूखा भूख कुकाही, ओना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही, सतगुर की बड़े आई बेख ना सकनी, ओना अगे पिछे थाऊ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाई मिल है, रहंदी खुद ही सब पत गवाही, ओई अगे कुसटी, गुर के फिट के जय ओस मिले, तिस कुसट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करह, जो दूजे भाई चित लाही, धुर करते आप लिख पाया, तिस नाल कह चारा नाही, जन नानक नाम आराध तू, तिस आपड़ को न सकाही, नावे की बड़ियाई बड़ी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाही। जो व्यक्ति गुरु के समक्ष होते हुए भी बिछुड़ चुके हैं, उन्हें सत्य के दरबार में कोई सहारा नहीं मिलता। यदि कोई उन निंदकों को जाकर मिलता भी है तो उसका भी मुँह फीका एवं काला होता है। अर्थात लोग उसे तिरस्कृत करते हैं। चूँकि जो लोग सतगुरु की ओर से तिरस्कृत हुए हैं वे दुनिया में भी तिरस्कृत हुए हैं और वे हमेशा भटकते रहते हैं। जो व्यक्ति गुरु की निंदा करते हैं वे हमेशा रोते फिरते हैं। उनकी तृष्णा कभी नहीं बुझती और सदा भूख भूख चिल्लाते हैं। कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वे सदा चिंता फिक्र में ही खपते हैं। जो मनुष्य गुरु की महिमा सहन नहीं करते उन्हें लोक परलोक में स्थान नहीं मिलता। गुरु से शापित हुए व्यक्तियों को जो मनुष्य जाकर मिलते हैं वह भी अपनी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा गवा लेते हैं, क्योंकि गुरु से शापित वे तो पहले ही कोढ़ी हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ करता है उसे भी कोढ़ लग जाता है। हे जिज्ञासुओं, भगवान जी के लिए उनके दर्शन भी मत करो जो सतगुरु को त्याग कर माया के मोह में लगते हैं। उनके साथ उन्हें कोई उपाय सफल नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने आदि काल से ही उनके द्वारा किए कर्मों के अनुसार ऐसे द्वैत भाव के संस्कार ही लिख दिए हैं। हे नानक, तुम नाम की आराधना करो, क्योंकि नाम की आराधना वाले की समानता कोई नहीं कर सकता। नाम की महिमा महान है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है।